कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद अब कमलनाथ और भूपेश बघेल का नंबर। जी हां, पंजाब कांग्रेस में उठे सियासी बवंडर के बाद अब राजस्थान के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आज सुबह अचानक दिल्ली के लिए रवाना हुए। टीएस के दिल्ली जाने के कार्यक्रम से प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का सिलसिला भी तेज हो गया है। हालांकि तमाम राजनीतिक कयासों के बीच मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि वे बहन के जन्मदिन में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, ये उनका कोई राजनीतिक दौरा नहीं है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी सीएम की कुर्सी को लेकर कांग्रेस में अंदर खाने चल रही कलह अब किसी से छिपी हुई नहीं है। पिछले माह सीएम भूपेश बघेल, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पीएल पूनिया और टीएस सिंहदेव की दिल्ली में राहुल गांधी के साथ मैराथन मीटिंग हुई थी। इसमें 2.5 साल वाले फॉर्मूले पर भी चर्चा हुई और उसके बारे में भी बताई जा रही थी। हालांकि किसी ने भी इस पर खुलकर कुछ नहीं कहा था, लेकिन पार्टी के अंदर इसको लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म था। उसके बाद दिल्ली से लौटने पर मंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि उन्होंने जीवन में एक ही चीज अस्थायी तौर पर देखी है और वह है परिवर्तन। सिंहदेव ने कहा कि हाईकमान ने सारी बातें संज्ञान में ली है और उन्होंने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। उन्होंने बताया था कि आलाकमान से खुले मन से बातचीत हुई और वे जल्द ही निर्णय लेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य में 2.5 साल के फॉर्मूले के तहत मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा इन दिनों काफी जोरों पर है। पिछले 24 अगस्त को दिल्ली में हुई बैठक में छत्तीसगढ़ के तीनों नेताओं के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। उसके बाद अब पंजाब में अमरिंदर सिंह के सीएम पद से इस्तीफे के बाद छत्तीसगढ़ में भी राजनीतिक हलचलें बढ़ गई है। लोगों की नजरें अब छत्तीसगढ़ के राजनीतिक परिदृश्य और आलाकमान के फैसले पर टिकी है।